समाजवादी पार्टी ने उसको दूसरे मतों में खर्च कर दिया था, ये पार्टी ने आकर के छात्रवृत्ति स्टार्ट किए है छात्रवृत्ति। अरे भैया मेरे को समझ लो, पहले राजनीतिक मेरे को मत कहिएगा, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है मेरी आपसे, राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, सामाजिक हूँ, पहले राजनीतिक मेरा थर्ड गियर है। छात्रवृत्ति को और एक और भी चीज बता दूँ, छात्रावास, 250 छात्रावास है अनुसूचित जाति वर्ग के, उनके पानी का, बिजली का, व्यवस्था का सारा योजना मैं बनवा के आया। मध्य प्रदेश में सारी योजना उनकी छात्रावासों का, नाम की चिंता करने की, जो उसमें बेचारे रिसर्च करने वाले हैं उनका बिजली पाली नहीं होता था, ये पहली पार्टी है जो छात्रों के बारे में चिंता कर रही है, अनुसूचित वर्ग के हाथों की चिंता। 158 योजनाओं में सारी हितकारी योजना, नीचे चाहे वो उज्ज्वला हो, जनधन योजना, सारी योजनाओं में मुद्रा बैंक योजना हो, अनुसूचित वर्ग के हित को रख करके की गई है। कांग्रेस तो सब्सिडी का पैसा 7,000 करोड़ रुपए सारा खा गए थे, जो कांग्रेसी नेता जेल गया था। तो इसलिए सबसे पहले मेरा आप लोगों से अभी अपील है कि दलित विरोधी कांग्रेस थी, उसने जात पंथ का खेती पैदा की, देश के टुकड़े किए, ये जात पंथ की खेती नहीं बीजेपी पैदा करती। और इसमें आप संघ और बीजेपी में आकर के देखिएगा, चिंतन को जानिएगा। सर, सर एक मिनट, तो सर हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, संघ की शरण में जाना चाहिए, फर्स्ट कैसे? ऐसा है, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि वाला व्यक्ति हूँ जी, और बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, भारत की जमीन में, भारत की संस्कृति में पैदा हुआ है, संघ बौद्ध को भी मानते हैं, अम्बेडकर बाद के कट्टर अनुयायी हैं, इसलिए भारत का झंडा नहीं लगा। चलिए आप इत्मीनान से मेरे पास आइए, भारत के झंडे के लिए जवाब मेरे नाम, भारत का झंडा भी मैं, हमारा कमजोरी यही है, यही तुम्हें सुनाया था, और क्या सुनाया था? खुश मत हो,